हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन और जिंदगी में। चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर को कम कैसे करें। आज दोस्तों लगभग 33% शहरी और 25% ग्रामीण भारतीयों को उच्च रक्तचाप है। उच्च रक्तचाप एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप को संबोधित करने के लिए किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ने पर घबराना नहीं चाहिए। इन घरेलू उपायों से तुरंत बीपी होगा कंट्रोल। जब आपके खाने पीने में असंतुलन हो जाता है और शरीर में फैट और वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो हाई बीपी होने का असर भी बढ़ जाता है। सबसे पहले तो आपको दोस्तों यह समझना होगा कि हाई बीपी क्या है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। आपका हृदय धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर को खून भेजता है। शरीर की धमनियों में जो रक्त बहता है उसे ठीक तरह से बहने के लिए एक निश्चित प्रेशर की ज़रूरत होती है, मगर ये दबाव अगर बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और अगर दबाव कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। हाई बीपी की वजह से आपकी नसों में वसा का जम जाना। आज हम आपको हाई बीपी के लक्षण बताएंगे, साथ ही वो उपाय बताएंगे जिससे आप अपना बीपी कम कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप क्या है। जब आपके खाने पीने में असंतुलन हो जाता है और शरीर में फैट और वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो हाई बीपी होने का असर भी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर असंतुलित खाने से होता है। इसके अलावा उन लोगों को भी हाई बीपी हो जाता है जो व्यायाम, खेलकूद और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन्हें हाई बीपी की समस्या होती है। इसके अलावा शुगर या दिल के मरीजों को भी हाई बीपी की समस्या हो जाती है। ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से, जंक फूड जैसा पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज और नूडल्स आदि खाने से भी बीपी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब के सेवन से भी बीपी बढ़ सकता है। टेंशन लेने से बीपी बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हृदय से जुड़े रोग और गुर्दे से जुड़े रोग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आँखों से संबंधित होने के भी खतरा रहता है। हाई बीपी से बचने का क्या उपाय है और इसके लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण: सिर दर्द, थकान, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, तनाव, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानियां, घबराहट, पैर सुन्न होना, कमजोरी, धुंधला दिखना। और उच्च रक्तचाप से बचाव क्या है। सबसे पहले तो खाने पर नियंत्रण रखें, घर का बना खाना खाएं, बाहर का पैकेट फूड और जंक फूड खाने से बचें, और वेट पर कंट्रोल करें। अगर आपको वजन बढ़ रहा है तो हाई बीपी हो सकता है। हर दिन आधे घंटे कम से कम व्यायाम करें, खासकर योग करें। साबुत अनाज, फल, सब्जियां और दूध और कम फैट वाले भोजन खाएं जिससे बीपी कम होता है। डाइट में मैग्नीशियम और कैल्शियम और पोटेशियम लें। दाल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन आदि खाने से शामिल करें, और हर दिन 4 से 5 अखरोट और 5 से 6 बादाम खाएं, और सेब, अमरूद, संतरे, अनार, केला, अनानास, पपीता, मौसमी आदि फल खाएं। हर रोज़ सुबह उठकर खाली पेट 2 लहसुन खाएं और नींबू पानी, नारियल पानी, सोया, अलसी और काले चने का सेवन करें, और खूब पानी पिएं। सलाद खाने के साथ शामिल करें, और इसमें आप प्याज, मूली, टमाटर, गाजर, खीरा, पत्ता गोभी आदि भी ले सकते हैं। और दोस्तों, हाई बीपी में किन चीज़ों से करना चाहिए परहेज़। नमक कम खाएं, कॉफ़ी और चाय का सेवन कम करें, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ कम खाएं, नमकीन बिस्किट, चिप्स या कोई भी पैकेट फूड्स ना खाएं, स्मोकिंग और शराब से दूर रहें, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि ना खाएं। खाना खाते समय आपके भोजन में नमक ऊपर से ना डालें, सलाद में भी नमक ना डालें, चटनी, अचार, अजीनोमोटो और सॉस से दूरी बनाए रखें। कम फैट वाला भोजन खाना चाहिए, जैसे पूरियां, पराठे से दूरी बनाकर रखें। सोते वक्त बीपी कम होता है, इसलिए नींद पूरी अच्छी तरह से लें। गुस्से से दूर रहिए, कोशिश करिए कि तनाव भरे माहौल से दूर रहें। इसके लिए आप मेडिटेशन और योग का सहारा भी ले सकते हैं। बीपी कम करने के घरेलू उपाय क्या है, तो चलिए आज आपको हम बताते हैं। उच्च रक्तचाप से राहत पाने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो आपको अपनाना चाहिए जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करें। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर को गुनगुने पानी में घोल लें और ये पानी 2-2 घंटे पीते रहें। उच्च रक्तचाप के नियंत्रित में तरबूज काफ़ी लाभदायक है। तरबूज के बीज का सेवन करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर नंगे पांव हरी घास पर 10 से 15 मिनट चले तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। पालक और गाजर का जूस पीने से बीपी कंट्रोल में रहता है, और मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ लेने पर बीपी कंट्रोल होता है। अनार और टमाटर का जूस पीने से भी बीपी नियंत्रित रहता है। चुकंदर और मूली को छीलकर इसका जूस बनाकर पिएं, इससे भी बीपी कंट्रोल होता है। करेला और सहजन की सब्जी खाएं, इससे हाई बीपी कंट्रोल में रहता है। सुबह खाली पेट लहसुन खाएं। आंवले के रस में शहद मिलाकर सुबह शाम लें। यह उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण ठीक होते हैं। जब बीपी बढ़ा हो तो 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर 3-3 घंटे के अंतर पर पिएं, और 5 तुलसी के पत्ती और 2 नीम की पत्तियों को पीस लें। इसे 1 गिलास में पानी में घोल लें और सुबह खाली पेट पिएं। और दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका बीपी 140 से ऊपर है और सीने में दर्द और भारीपन महसूस हो और सांस लेने में परेशानी हो, सिर दर्द और धुंधला दिखाई दे और कमजोरी फील हो, तो बिना देर के डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी घातक स्थिति में पहुँच सकता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।